Okay children, good morning everyone. How are you all? This is Shivani Mishra, your chemistry teacher. Children for class 11, these days we are preparing a chapter atomic structure, and today our heading we will start is very important, the uncertainty principle. इसपे short note आता है uncertainty principle. मतलब समझ में आ रहा है, कोई principle है जिसमें किसी चीज की अनसर्टेनिटी के बारे में बताया गया है, राइट? तो किसके बारे में बताया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज गिवन बाय वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1927. इसको हाइजेनबर्ग ने दिया था 1927 में, इसलिए हम इसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, राइट? ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन. मतलब अगर कोई भी बॉडी जो इतनी छोटी है जितना छोटा इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एग्जैक्ट पोजिशन और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों साथ में पता करना अनसर्टेन है. इट इज नॉट पॉसिबल. मतलब दोनों चीज़ें, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और उसका एग्जैक्ट मोमेंटम हम साथ में पता नहीं कर सकते. ये हाइजेनबर्ग ने कहा था. चिल्ड्रन, वन मोर थिंग, ये जो लॉ है ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है. अगर हम किसी बड़े पार्टिकल की बात करें, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करें, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, अगर वो वेव लाइक है, उसकी जो वेवलेंथ है वो आप डी ब्रोगली इक्वेशन से अगर फाइंड आउट करें तो बहुत कम आती है. दैट इज़ टू स्मॉल. तो कम होने की वजह से, और जो उसका मोमेंटम होता है वो बहुत ज़्यादा आता है. जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, जबकि उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है. तो हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वेव नेचर को नेग्लिजिबल समझते हैं. तो जब उसे नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो उसके लिए हम पोजीशन या उसकी बात नहीं कर सकते, उनको हम निकालेंगे ही नहीं. हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जो पार्टिकल बहुत स्मॉल है, एज इतने स्मॉल है जस्ट लाइक योर इलेक्ट्रॉन. तो उस कंडीशन में ये हाइजेनबर्ग रूल वर्क करता है. चलिए देख लेते हैं चिल्ड्रन, अनसर्टेनिटी अगर हम पोजीशन की बात करें तो उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, और अनसर्टेनिटी और मोमेंटम को हम डेल्टा पी से डिनोट करते हैं. दोनों के बीच में एक्चुअली रिलेशन क्या है, दोनों का ही हम प्रोडक्ट निकालेंगे. तो इनका रिलेशन आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, यानी अनसर्टेनिटी इंटू ऑफ पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम का जो प्रोडक्ट आता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइन कहलाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, राइट? अब पी की वैल्यू मोमेंटम का होता है एम इंटू वी, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी. तो आपने पी की जगह एम भी रख दिया, मास में तो कोई चेंज होगा नहीं बट वेलोसिटी विल चेंज, तो इसलिए हमने इसको डेल्टा वी लिखा हुआ है. दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. जब आपसे अनसर्टेनिटी पूछी जाए तो आप यही फॉर्मूला बताएंगे, पर जब आप न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए जो पार्टिकल आपको दिया जाएगा उसका मास भी आपको रखना पड़ेगा और उसकी वेलोसिटी भी आपको बताई जाएगी, राइट? तो एच इज स्टूडेंट प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. एच यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरी आप एच पाई छोड़ दीजिए तो ये पूरा कॉन्स्टेंट हो गया. तो कोई भी कॉन्स्टेंट, तो आप कहीं दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा? रिलेशन ऐसा आएगा, क्योंकि ये अगर आ जाएगा नीचे लाने की, जो अनसर्टेनिटी है पोजिशन में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी ऑफ मूवमेंट, राइट? पोजिशन जो है वो मोमेंटम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर ये आप जो रखेंगे तो दिस विल बी इनफाइनाइट एंड वाइस वर्सा, अगर आप इसको जीरो रख देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी. यानी अगर ये ज़्यादा है तो ये ऑटोमेटिक कम, राइट? ओके, सो हम आज अभी फिलहाल आपसे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए. तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, क्योंकि मास लगा नहीं है, फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला वाला पता करेंगे. तो डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई है, एच कॉन्स्टेंट है, वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10^-27. 4 का 4 है, 5 का 3.14 है, एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1.
second, 5-7 or the second program, and this value is approximate. Exactly यही नहीं आएगा, इसके आगे और भी digits आएंगी point के बाद, right? So that's all for the uncertainty principle. I already have told you the principle is only applicable for the very microscopic particles, just like electron, and the value of uncertainty order is negligible for the bigger particles. Children, till then, thank you so much. Next video में ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स को कवर करेंगे हम. मस्ट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. चिल्ड्रन, बाय बाय.